अब तुम लोग खुद ही समझो। ये गुस्ताख कब तक जबान चलाना और जुबैर के बेटों की तहकीर करना चाहता है? मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मैदान में जाकर इस बिन बाप के बेटे का मुंह तोड़ कर रख दूं। नहीं मुसब, नहीं। तुम लश्कर के मैसरा के अलमदार हो, जाओ जाओ और ध्यान रखो कि दुश्मन तुम्हारी फौज तक न पहुंच सके। जिसारत है भाईजान, इब्ने नुमैर ने जुबैर के बेटों में से एक को मैदान में बुलाया है। शर्मनाक है कि हम इसका जवाब ना दें। अगर हम में से कोई एक मैदान में ना जाए तो हमारे लश्कर वाले इस बद नस्ल की बातों पर यकीन कर लेंगे और सुस्त हो जाएंगे। मुसब, जज्बाती मत बनो, अपने गुस्से को लगाम दो। तुम्हें अलमदारी करनी चाहिए, राजस्थानी नहीं। एजाज के लोगों, आप लोगों ने अब तक जो कुछ सुना वो जुबैर की खूबियां ही थी, जिनको सुनकर आप बहकावे में आ गए। अब चंद जुमले इस जलीलुल कद्र सहाबी की बुराइयों में से सुनिए, जिसने अपने तमाम तर मुजाहिदात का अजर और सवाब हुब्बे दुनिया के लिए बेच दिया और अपने खलीफा के खिलाफ मैदान में उतर आया और सबको ये दिखा दिया कि एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई से इस तरह लड़ सकता है और उसे कत्ल भी कर सकता है। भाई भाई का कत्ल करना एक ऐसी बिद्दत थी जिसकी बुनियाद असाब जमल के हाथों रखी गई। ये आपका हिजाजी और जुबैरी खलीफा इस जंग का शोला भड़काने वालों में से एक था और हजरत अली से लड़ा। अब ऐसा क्या हो गया है कि वो अली के बेटे के खून का बदला लेना चाहता है? इससे बढ़कर झूठ और क्या होगा? ए पिसराने जुबैर, तुम लोग तो फितना गरी में सबसे आगे हो पर फितने को दफा करने में सबसे पीछे। तुम लोग जो दावा करते हो कि दीन का धन रखते हो तो फिर मैदान में क्यों नहीं आते कि अपने खून को दीन पर कुर्बान कर दो और जुबैर की तलवार की आबरू को खरीद लो? अबू इसहाक, इससे ज्यादा खामोशी ठीक नहीं। जुबैर के बेटों में से एक को उसका जवाब देना होगा। मुंजर जी भाईजान, इस मलून को जवाब दो। बसा दे शौक। क्या हुआ बानो जान? दिल घबरा रहा है जुबैदा, डर है कि मुंजर कोई गलती ना कर जाए। मत डरिए मेरी बानो, लश्करे मक्का में बहादुरों की कमी नहीं है। मुख्तार और मुसब खुद एक लश्कर हैं। मुंजर नौजवान और मगरूर है, उसे जोश दिलाया गया तो मैदान में चला जाएगा। बईद है कि हजरत खलीफा अपने छोटे भाई को मैदान में जाने दें। आओ
कहाँ मेरी बानो? मुझे मंजिल को एक पैगाम भेजवाना होगा। आराम से खाशा, कजावे पर बैठो। कजावा मेरा ताबूत बन जाए। आओ। ए नुमेर के बेटे, तुमने जुबैर के बेटों को डरपोक और फरार करने वाला कहा? आंखें खोलो और देखो, कान खोल कर सुन लो। अगर पिसरान जुबैर डरपोक होते तो तुम लोगों के जुए बाज, कुत्ते बाज और बंदर बाज खलीफा का इतनी सारी फौज किराए पर खरीद कर सरजमीन हिजाज की तरफ भेजने की जरूरत ना पड़ती। मरहबा मुंजर, तूने माँ का दूध हलाल कर दिया। इस दो बालिश के बच्चे की कैसी काटने वाली जुबान है। बदनसीब एक मैदान में पलने वाले बूढ़े की तरह रजस पड़ रहा है। ये मक्का है, सरजमीन नजूल वही। खुदा ने इस खाक में इंसान से बात की है, खुदा ने इस खाक में अपना घर बनाया है। इस मुकद्दस मट्टी को अपने खून से नजिस मत करो। इस बार यजीद शाह ने तुम लोगों को खुदा से लड़ने के लिए भेजा है। एक ख्वाब दिखाकर खरीदे गए लोगों, होशियार देखो और पहचानो कि मैं हूं मुंजर पिसरे जुबैर इब्ने अवाम, और ये तलवार मेरे दादा की तलवार है कि फरमाने रसूल खुदा के मुताबिक जो शख्स इस तलवार से मारा जाए वो दोजखी है। अब अगर तुम लोगों के दरमियान कोई दोजख में जाने के लिए बेकरार और बेताब है तो बिस्मिल्ला। बिल्ली के बच्चे को भेजा गया है ताकि शेर की आवाज निकालो। जाओ बच्चे जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो। वो जो तुम्हारे हाथ में है तलवार है, कोई मशक करने का आला नहीं है। जाओ और बोलो कि तुमसे बड़े को मैदान में भेजे, हम खेलने नहीं आए। ए नुमेर के बेटे, तुमने जो इतनी बकवास की वो काफी नहीं थी? क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने आप को मरते मैदान साबित कर सको? अलोची, जाओ इसकी बदबूदार जुबान काट दो, इसकी माँ को इसके गम में रुला दो।
मुंसर के बाद अब जाफर की बारी है। मुंसर की मुजाहिदात का अजर जाया मत करो। मुंसर इस मैदान का हरीफ नहीं था, मुझे इस मैदान में जाना चाहिए था, मुंसर को नहीं। मुझे अफसोस है जनाब खलीफा, मुंजर ने जवान मर्दी के साथ जंग लड़ी, खुदा उसे गरी की रहमत करे। मुझे रुख्सत दीजिए ताकि मैदान में जाऊं इंतकाम के लिए। नहीं बिन मती, मुझसे लड़े। कौन हो तुम? मुंह क्यों छुपाया हुआ है? नुमैर के बच्चे, भेज अगर कोई मर्द है तेरे पास। मैंने पूछा कौन हो? जंग के मैदान में तलवार की ताकत बंदे की पहचान होती है। लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। इसका जवाब दो। तब हूं, मुझे यही अली शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों जहमत दी टिड्डे? बोल कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा। वादा करता हूं कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के